साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नासिक में श्री कालाराम मंदिर पहुंचने के बाद न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश में सियासत में हलकान सा मच गया है। और नासिक से जो पीएम मोदी ने ऐलान किया उसके बाद तो हर किसी की बोलती बंद हो गई। यहां पर पीएम मोदी ने अपने 11 दिन के कठोर उपवास का जिक्र करके सबको हैरानी में डाल दिया। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक मोदी ने 11 दिन तक उपवास रखने का संकल्प लिया है। इस व्रत के नियम कायदे बेहद कठोर है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के लिए 11 दिन के व्रत कितने चुनौतीपूर्ण होंगे और इन व्रतों के क्या नियम कायदे हैं आपको बताते हैं सब। आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इन यम नियम वाले 11 दिन के कठोर उपवास पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पीएम मोदी जैसे ही नासिक के कालाराम मंदिर में पहुंचे तो मुंबई से लेकर पूरे देश में सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र में खुद को बड़ा नेता कहने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का प्लान पूरी तरह चौपट हो चुका है, क्योंकि यहां उद्धव अपने नेताओं के साथ 22 जनवरी को कालाराम मंदिर जाने वाले थे, मगर मोदी ने पहले ही पहुंचकर उद्धव की सारी मंशा पर पानी फेर दिया और मंदिर परिसर में पोछा उठाकर सफाई करके तो मोदी ने देश के हर राम भक्त का मन मोह लिया। अब बात इतनी नहीं है, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण होने तक प्रधानमंत्री मोदी को 11 दिन तक कठोर नियम वाले व्रत भी रखने होंगे जो कि 12 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। इन व्रतों में आहार विहार शयन आदि के संबंध में यम नियम के कठोर 45 नियमों का पालन करना होगा। अनुष्ठान के प्रमुख आचार्य काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने पीएम मोदी समेत 11 यजमानों के लिए यम नियम की आचार संहिता जारी की है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी 11 यजमानों को 11 दिन तक एक ही वक्त खाना खाना होगा, जिसमें सेंधा नमक युक्त सात्विक आहार ही ग्रहण करना होगा। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने तक पीएम मोदी को ना तो चारपाई पर सोना है और ना ही बैठना है, लकड़ी के तख्त का ही वो प्रयोग कर सकते हैं। आसन के रूप में कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्तर पर सोना, बैठना या नियमित दाढ़ी बनाना या नाखून काटना प्रधानमंत्री मोदी के लिए वर्जित होगा। यथासंभव इस व्रत में मौन रहने यानी कि चुप रहने या फिर मितभाषी होने यानी कि कम बोलने का अभ्यास करना होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी से यम नियमों का संकल्प लेकर व्रतों का पालन शुरू कर दिया है। आचार्य शास्त्री ने जो व्रतों के लिए आचार संहिता बताई है वो आप भी सुनिए। तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा शास्त्रों के आलोक में दी गई व्यवस्था के अनुसार पीएम मोदी समेत सभी यजमानों को नित्य सुबह स्नान करना होगा यानी कि अर्ली मॉर्निंग स्नान करना होगा। बाहरी भोजन का त्याग करना होगा यानी कि बाहर का खाना नहीं खाना होगा। क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार से मुक्त रहकर ध्यान साधना के जरिए ही मन को एकाग्र रखना होगा। सत्य व्रत का पालन करना होगा यानी कि सच ही बोलना होगा। आचार्य द्रविड़ के मुताबिक पीएम मोदी को इस अवधि में सिले हुए वस्त्र से दूर रहना होगा यानी कि रेडीमेड कपड़ों से या फिर सिले हुए किसी भी कपड़े को प्रधानमंत्री मोदी अभी धारण नहीं कर पाएंगे। रेशमी ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल या स्वेटर आदि का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकेंगे। इसके अलावा सद्विचार, सत चिंतन से युक्त रहना होगा। अनुष्ठान अवधि तक खाने में हल्दी, तेल, राई, सरसों, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा और तेल से बने भोज्य पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना होगा। इसके अलावा गुड़, भुजिया, चावल और चना भी नहीं खाना होगा। अपने कठोर उपवास के बारे में पीएम मोदी ने नासिक में जन संबोधन के दौरान कहा कि वो ये व्रत अपने देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए रख रहे हैं। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कठोर नियमों का पालन करना मुश्किल है, मगर वो अपने देशवासियों के लिए और रामलला के लिए ये व्रत पूरे नियमों से रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी को देखने का अवसर मुझे मिला है। उस दिन मैं गर्भगृह में शरीर के रूप में तो उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आप मेरे साथ होंगे, राम भक्त मेरे साथ होंगे और वो चैतन्य पल हम सभी के लिए साझी अनुभूति होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इन कठोर नियमों के लिए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने देशवासियों का आशीर्वाद चाहिए। अब पीएम मोदी का कालाराम मंदिर जाना वैसे ही राजनेताओं के लिए उथल पुथल भरा रहा। विपक्षी दल इस दौरे से वैसे ही आग बबूला है। ऐसे में मोदी ने वहां पोछा लगाकर मंदिरों में साफ सफाई का संदेश तो दिया ही, साथ ही साथ 11 दिन के कठोर व्रत के बारे में बताकर तो हर किसी को हैरान कर दिया। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।